साहब मैंने अभी अभी ईशान को बस से कहीं जाते हुए देखा है। तो अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से गाड़ी निकालो, चलो मेरे साथ। मुझे लगता है मैंने देर कर दिया, अगर राव साहब को मेरे से पहले ईशान मिल गया तो ये लोग कभी भी ईशान को सवी और ईशा के पास नहीं जाने देंगे। मुझे जल्दी करना होगा। मुझे नहीं पता था कि तुम माँ बेटी सॉरी तुम सास बहु इतनी घटिया और गोल्ड डीगर होगी। तुम लोग मेरी बच्ची के पास इसलिए आना चाहते थे ताकि तुम लोग मेरे पैसे हथिया सको। मेरी बेटी से आगे से दूर रहना। मिस्टर रजत ठक्कर, आप मेरी आई से इस तरह से बात नहीं कर सकते। आपने हम लोगों को समझ क्या रखा है? यही कि तुम्हारी पूरी भोंसले फैमिली बहुत ही घटिया और गोल्ड डीगर हो। मैं तो रजत के बारे में क्या सोच रही थी, और ये इंसान कैसा निकला मुझे नहीं पता था ये इतना घटिया होगा। चलो सही यहाँ से, और खबरदार आगे से अगर तुम इनके पास आई तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे बप्पा, आप कब तक मेरी बच्ची को ऐसे ही ताने सुनवाते रहेंगे? आपने हमारे ईशान को तो हमसे छीन ही लिया, कम से कम मेरी बच्ची सभी की खुशियाँ तो उससे मत छीनो। आई आप रो मत, जरूर बप्पा ने हमारे लिए कुछ और सोच रखा है, इसीलिए तो वो हमारे से ऐसे इंसानों को दूर कर रहे हैं जो हमें आगे चलकर तकलीफ देने वाले हैं। आप फिकर मत करो, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये ईशान जा कहां रहा है। साहब मुझे लगता है ईशान जरूर अपनी माँ ईशा और सवी को ढूंढने निकला है। अगर हमने उसे जल्दी नहीं रोका तो सवी, ईशा और शांतनु इन तीनों को पता लग जाएगा कि ईशान अभी भी जिंदा है। मुझे लगता है मुझे सवी को फोन करके सब कुछ बता देना चाहिए। हेलो कौन? हेलो सवी, मैं सिखा बोल रही हूँ, मुझे तुम्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है, तुम ध्यान से सुनना। अरे सीखा वाहिनी, आप इतने सालों बाद आपने कॉल किया, सब कुछ खैरियत तो है ना? और चिन्मय दादा कैसे हैं? और हमारा छोटू बदमाश कैसा है? सब कुछ ठीक तो है ना? सभी वो सब तू छोड़, अब मैं जो तुझे बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुना। तुम्हारा ईशान अभी भी जिंदा है और वो तुम्हें खोजने के लिए पता नहीं कहीं चला गया है। ये आप क्या बोल रहे हो? आपको पता भी है ईशान सर हमें हमारी आंखों के सामने कब का हमें छोड़कर चले गए हैं, तो वो जिंदा कैसे हो सकते हैं? सभी मैं समझ सकती हूँ, अभी तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे होंगे, लेकिन मेरा विश्वास करो ईशान जिंदा है और वो तुम्हें खोजने के लिए कहीं निकल चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? ईशान सर जिंदा कैसे हो सकते हैं? लेकिन आई ने तो मुझे बताया था कि ईशान सर की मौत हो गई है, तो अब ये क्या है? तो गाइस यार तुम लोग तो मेरे एकदम पीछे ही पड़ गए। अब तुम लोगों में से बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई अगर ईशान को वापस लाना है तो लाओ, वरना ये फेक न्यूज बनाना बंद कर दो। तो यार देखो, हम में से जितने भी क्रिएटर है जो सीरियल के ऊपर न्यूज बनाते हैं, उनमें से सारे क्रिएटर्स अभी यही न्यूज दे रहे हैं कि ईशान सर का कमबैक जरूर होगा। अब सभी क्रिएटर्स बोल रहे हैं तो जरूर से होगा। अब देखो यार तुम लोगों में से बहुत सारे कमेंट लोग कर रहे हैं कि अरे फेक न्यूज बनाना बंद कर दो। अब देखो यार, देखो मैं तुम लोगों को बता दूं, देखो सीरियल की टीआरपी ऑलरेडी गिर चुकी है, तो यार देखो जो मेकर्स है ना उनका कोई ना कोई आइडिया तो होगा कि ईशान सर को कैसे लाए। या तो देखो जो ईशान सर है वो आएंगे सभी और जो रजत की शादी होगी उस टाइम पे, या कोई ना कोई तो मेकर्स कोई ना ऐसा आइडिया जरूर लगाएंगे जिससे कि ईशान सर की एंट्री वापस हो सके। क्योंकि भाई लोग आप भी जानते हो अभी व्यूवर्स काफी सारे घट चुके हैं शो के, क्योंकि अगर उनको वापस बनाए रखना है व्यूवर्स को तो ईशान सर को तो वापस लाना ही पड़ेगा, कुछ भी करो लेकिन ईशान सर को वापस लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज बताता हूँ सीरियल के बारे में। वेल देखो गाइस, इंटरेस्टिंग सी न्यूज ये कि ईशान लौटा वापस अपना सामान लेकर सभी ईशा और शांतनु के घर। ईशान ने खोला सभी ईशा और शांतनु के सामने अपने अतीत का गहरा राज, रजत की माँ और रजत से हुआ सभी ईशा और शांतनु का बहुत ही बड़ा बवाल। जी हाँ दोस्तों, सीरियल घूमे किसी के प्यार में आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले। बिकॉज आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे धीरे धीरे से सही की वजह से सभी और रजत दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और फिर इसी तरीके से सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। लेकिन भाई साहब एक दिन अचानक से ईशान अपना सामान लिए हुए ईशा शांतनु और सभी के दरवाजे पर दस्तक दे देता है, और फिर जैसे ही दरवाजे की वो बेल बजाता है अपना ईशान, और फिर उसके बाद जो शांतनु वो दरवाजे को खोलते हैं, और जैसे ही शांतनु ईशा और सभी ईशान को देखते हैं तो भाई साहब उन लोगों के पैरों के तो तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन तीनों के सामने कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ईशान खड़ा हुआ था जो कि बिल्कुल सही सलामत अपना सामान लिए हुए अंदर आने के लिए तैयार होता है। और फिर उसे देखकर ईशा शांतनु और सभी तीनों भाई साहब फूट फूट कर रोने लगते हैं और साथ ही साथ पूरी तरीके से शॉक भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जरा सा भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ईशान तो उसे बहुत पहले ही छोड़कर इस दुनिया से चला गया होता है। तो वही ईशान सही सलामत उनके दरवाजे पर कैसे खड़ा और उन्हें इन सारे सवालों को जवाब को मन में लिए हुए तीनों बड़े ही प्यार से ईशान का हाथ पकड़कर उसके घर के अंदर स्वागत करते और फिर उसके बाद बड़े ही लाड प्यार से उसे बैठाते और फिर उसके बाद बहुत ही ज्यादा उससे प्यार जताने लगते हैं। तो वही दूसरी तरफ ईशान भी सभी ईशा और शांतनु का प्यार पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है, इमोशनल भी हो जाता है, और फिर वही ईशा
निकालता है और सभी को गले लगाकर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोने लगता है। और फिर इस तरीके से एक बार फिर से इतने सालों बाद ईशान सभी, ईशा शांतनु सभी लोग एक साथ एक दूसरे के पास होते हैं। और फिर सबके आपस में मिल लेने के बाद ईशा शांतनु और सभी तीनों मिलकर ईशान से पूछते कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप तो हमारे सामने इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो भला आप हमारे सामने कैसे बैठे हैं, और अगर आप इतने सालों तक जिंदा थे तो आप हमारे पास पहले क्यों नहीं आए, आप इतने सालों से हमारे से दूर क्यों रहे। जिस पर ईशान बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए अपने सालों पुराने राज को खोलता है, जी हाँ दोस्तों, वह सभी ईशा और शांतनु से कहता है कि दरअसल उस दिन मेरे मौत वाले दिन मेरी मौत नहीं हुई थी, बल्कि कुछ देर के लिए मेरी हार्ट बीट और मेरी नब्स बंद हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर अपनी अक्का साहब ने मुझे सबकी नजरों से हटाकर अलग शिफ्ट करवा दिया था और मेरे जैसे एक मरे हुए इंसान को वहां पर लिटवा दिया था, क्योंकि वहां के एक सीनियर डॉक्टर अक्का साहब के षड्यंत्र में पूरी तरीके से मिले हुए थे। अक्का साहब ने यह सब इसलिए किया ताकि वह किसी भी कीमत पर मुझे सभी से दूर रख सके, क्योंकि भोर पाटिल की वजह से अक्का साहब को वापस ये लगने लगा था कि सभी की वजह से ही बार बार मेरी जिंदगी में तकलीफें आती है, और फिर इसलिए वो हर कीमत पर सभी को मुझसे अलग रखना चाहती थी, दूर रखना चाहती थी, और इसलिए ऐसा करके उन्होंने मुझको वहां से दूर कर दिया ताकि मैं सभी लोगों की नजरों में मरा हुआ साबित हो जाऊं और मुझे लेकर वो कहीं दूर जा सके। और फिर इसके बाद की कहानी तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन अक्का साहब जब मुझे लेकर चली गई थी उसके बाद जब मुझे दोबारा से होश आया तो उस समय मेरी याददाश्त जो है चली गई थी, जिसके बाद से सालों तक मुझे आप लोगों की याद नहीं आई, और फिर इस तरीके से सालों साल गुजर गए। और फिर अचानक से 2 दिन पहले ही मेरी याददाश्त वापस लौट आई और फिर मुझे आप लोगों की याद भी आ गई। इसके बाद मैं अक्का साहब से लड़ाई करके उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर वापस से आप लोगों के पास चला है। और ईशान के मुंह से यह सब सुनने के बाद सभी ईशा और शांतनु पूरी तरीके से इमोशनल हो जाते और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगते और कहते हैं कि मेरे बेटे ने इतने सालों तक कितना कुछ सहा है और हमें कुछ पता भी नहीं, हम इतने सालों तक बस यही सोच रहे थे कि हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया। और इस तरीके से ईशा शांतनु सभी तीनों अक्का साहब के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होते और कहते हैं कि अक्का साहब ने इस बार तो हद ही पार कर दी, जब भी हमें लगता है कि अक्का साहब के गलत कामों की यह आखिरी सीमा होगी तब हमें गलत साबित करके एक लेवल ऊपर चली जाती है अक्का साहब और कोई ना कोई बड़ा गलत काम कर ही देती है, वो जिंदगी में कभी भी सुधर नहीं सकती, इसलिए अच्छा हुआ बाड़ा जो तूने उनका साथ छोड़ दिया। और फिर इस तरीके से ईशा शांतनु और सभी के मन में चल रहे सारे सवालों का खत्म हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे रजत की माँ और रजत को पता चलता है कि सभी की जिंदगी में वापस ईशान की एंट्री हो चुकी है, वैसे ही भाई सब उन लोगों के पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस वक्त तक सभी और रजत की शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी और जिस वजह से रजत की माँ, रजत और ईशा और शांतनु के बीच बहुत ही बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आखिर इस बवाल को सभी कैसे रोक पाएगी, इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ यार, मेरे लिए ना सही तो यार ईशान और सभी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो एक और इंटरेस्टिंग सी न्यूज आपको बताता हूँ, रजत ने लगाया ईशा और सभी पर बहुत ही घटिया इंजाम, इन सबका जवाब कैसे देगी सभी। वेल दोस्तों आपको बता दें, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल वो मैं किसी के प्यार में आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे किस तरह से रजत और सभी का आमना सामना होगा और फिर से इनके बीच में एक भयंकर फाइट होने वाली है, क्योंकि यहाँ इस बार सभी को रजत कुछ ऐसा बोल देगा जिसके बाद सभी जो बहुत ही भड़कने वाली है। चलिए बताते हैं शो के अपकमिंग ट्रैक में और क्या क्या होने वाला है। भाई दोस्तों, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि प्रोमो में ईशा जो है उसे अब ये लग रहा है कि भाई किसी भी तरह सभी और रजत एक हो जाए, क्योंकि यहाँ ईशा को लगता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं इन सारी चीज़ों के बावजूद हम देख सकते हैं कि कैसे ईशा रजत से मिलती है और रजत से जब वो मिलती है तो देखती है और कहती है कि भाई साहब दामाद जी तो बहुत भड़के हुए हैं, और भाई साहब फिर अपना रजत भाई भी थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि आप ये क्या दामाद जी लगा रखा है, इस लड़की से मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है, ये लड़की सिर्फ मेरी बच्ची की टीचर है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, इससे ज्यादा मेरा और कोई इसका मतलब नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। ये बातें सुनकर ईशा को बहुत बुरा लगता है, ईशा थोड़ी सी उदास भी हो जाती है। वहीं सभी वो आप देखेंगे सभी जो है बहुत ही ज्यादा वो हैरान हो जाती है, सभी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आय से इस तरह से बात करने की। तो अपना रजत भाई बोलता है कि मैंने अभी तक तो सिर्फ इतना ही कहा है। अपना रजत भाई बोलता है कि शुक्र मनाओ तुम्हारी आय को, मैंने सिर्फ इतना ही बोला है क्योंकि तुम्हारी आय जो वो बहुत ही बेकार है, एक नंबर की गोल्ड डिगर है। इवन मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि तुम दोनों माँ बेटी ही गोल्ड डिगर हो, क्योंकि तुम्हारी जो ये आय है ना वो मेरी ऑफिस पहुंच गई थी जानने के लिए कि लड़का क्या करता है, उसके पास क्या क्या और कैसा है। तो यहाँ पर ईशा को बहुत हैरानी होती है जानकर कि रजत इस तरह का इंसान है, क्योंकि ईशा जब रजत के ऑफिस गई थी तो उसने सभी और रजत को एक साथ देखा था जब रजत सभी बातें कर रहे थे। दरअसल सभी रजत जो है बातें कर रहे थे जहाँ रजत सभी का उसका पेमेंट देने जाता है और यहाँ सभी जो है रजत की वाइफ के बारे में कुछ पूछती है, तो यहाँ भी रजत सभी के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और कहता है, जिससे कि सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन जो अब रजत ने ये हरकत की है जिसकी वजह से सभी भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और आप लोग शो के अपकमिंग ट्रैक में आपको देखने को मिलने वाला है किस तरह से ईशा और सभी को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है,
क्योंकि रजत जो है सबके सामने इन दोनों को गोल्ड डिगर कहने वाला है और कहीं ना कहीं सभी को और ईशा पर ये बहुत बड़ा इंजाम लगने वाला है। तो भाई आपको क्या कहना है, क्योंकि रजत सभी की टक्कर जिस तरह से हो रही है उसे देख कर ऐसा नहीं लगता है कि इन दोनों के बीच में जल्द ही प्यार होने वाला है। तो आपको क्या लगता है वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ यार, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपकी मर्जी हो तो यार प्लीज़ यार मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना कि आप और कौन कौन से शो देखते हो, ताकि उसके हिसाब से मैं और भी वीडियोज़ की एक्सप्लेनेशन ला सकूँ। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।